विविध मांगों को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से 26 अगस्त को रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अध्यक्ष वामन राव चटक ने पत्र परिषद में दी। स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग यह 1905 से शुरू है। इस मांग को 116 वर्ष बीत गए। केंद्र में सत्ता में आए सभी सरकार ने कबूल करने पर भी विदर्भ का स्वतंत्र राज्य निर्माण नहीं किया गया और विदर्भ की जनता के साथ विश्वासघात किया है। स्वतंत्र विदर्भ राज्य की तत्काल निर्मिति करे, कोरोना काल में सभी जनता के बिजली बिल माफ करे, खेती पंप के बिजली बिल माफ करे, ग्राहकों को 200 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाए, बिजली बिल निम्न करे, पेट्रोल डीजल और गैस की दर बढ़ोतरी तत्काल पीछे ले। सांप यह वन्य जीव होने से अन्य वन्य प्राणियों की तरह आर्थिक सहायता दी जाए, इसके लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से 26 अगस्त को सुबह 11 बजे विदर्भ के 120 तहसील में रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा और इसी कड़ी में चंद्रपुर जिले के सभी तहसील में यह रास्ता रोको आंदोलन होगा। हजारों विदर्भवादी विदर्भ पर रास्ता रोको आंदोलन में शामिल होंगे। ऐसी विविध मांगों को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से पत्र परिषद ली गई। पत्र परिषद में इस संदर्भ में जानकारी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट वामन राव चटक ने दी। विदर्भ राज्य तत्काल निर्माण कराव, विजेता प्रश्न तातडीने निकाली काढावा, गैस पेट्रोल डीजल ची दरवाढ तत्काळ मागे घ्यावी, साप काऊन मरणाऱ्या माणसाला इतर वन्य प्राण्यांप्रमाणे आर्थिक मदत द्यावी, या सर्व मागण्यांसह आम्ही 26 ऑगस्टला विदर्भातील 120 तालुक्यात या सगळ्या मागण्यांना परत तीव्रता यावी, हे आंदोलन अजून तीव्र व्हावं म्हणून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने हे आंदोलन केलं जातं आहे। त्याच आंदोलनाचा भाग म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळजवळ 15 तालुक्यामध्ये हे आंदोलन होईल असा सगळा आमच्या कार्यकारिणीचा प्रयास आहे आणि याच्यामध्ये आम्ही सरळ म्हणतो की तात्काळ विदर्भाचं राज्य निर्माण करा। ऊर्जा मंत्र्यांनी कबूल केल्याप्रमाणे विजेचं कोरोना काळातलं सगळं वीज बिल माफ करा, 200 युनिटपर्यंत मोफत द्या, त्याच्यापुढे निम्मे करा, पेट्रोल डिझेल आणि गॅसची दरवाढ तात्काळ मागे घ्या, साप चावून मरणाऱ्या माणसाला इतर वन्य प्राण्यांप्रमाणे आर्थिक मदत द्यावी आणि शेती पंपाचं वीज बिल कायमचं संपावं यासाठी हे आंदोलन होत आहे आणि या निमित्ताने आपल्या मार्फतीने हा निरोप आम्ही जनतेपर्यंत पोहोचवतो।